क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। जी, रमशा ने एक ऐसी बात कही जो सुन के हम वाकई परेशान हो गए। वो बात मुझे बताने के काबिल है? जी जी, आप ही को बताएंगे। वो कह रही थी कि शादी के बाद हम दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि हमें पाकिस्तान में रहना है या अमेरिका में। मसरूर साहब, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। ये मुमकिन नहीं है गजाला बेगम, ये कैसे मुमकिन है? माफ कीजिएगा, ये रमशा जो है ना, हर दफा एक नई ख्वाहिश लेके नमूदार हो जाती। पहले इसने कहा कि अस्पताल बनेगा तब शादी होगी, उसके बाद वालिद साहब बीमार पड़ गए, हमने कहा चलो मुश्किल वक्त है, जो ये कहे उसे पूरा कर लिया जाए। अब ये कह रही है कि शादी के बाद अमरीका सेटल हो जाएंगे। उसे नहीं पता है कि रुहेल का इस कारोबार पर, इस घर पर कितना हिस्सा है, उसके बगैर हम सब अधूरे हैं। एक तरफ तो रुहेल का ये रवैया, दूसरी तरफ रमशा ने ऐसी बात कर दी, सच पूछे हम वाकई परेशान हो गए। परेशान होने की जरूरत नहीं, इन दोनों को बैठ लेने दे, आपस में जो फैसला करेंगे हम उसके बाद मशवरा देंगे, परेशान ना हो। क्या मतलब है अम्मी, अब हर चीज रमशा की मर्जी से तो नहीं हो सकती ना। वो कहे कि इंतजार करो तो मैं इंतजार करूं, वो कहे कि मुझसे निकाह कर लो तो मैं निकाह के लिए तैयार हो जाऊं, पर उसने सोच भी कैसे लिया कि अमेरिका में शिफ्ट हो जाऊंगा शादी के बाद। हद होती है किसी चीज की, ये क्या कर रही है? हाँ बेटा, ये अमेरिका वाली बात तो हमारी भी समझ में नहीं आई थी। हो सकता है रमशा ने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, आप उससे बात करके तो देखिए ना। याद है मैंने आपसे कहा था कि कोई भी फैसला करने से पहले आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे लगता है आप फैसले का वक्त आ गया है। मिलता हूँ आज इससे, मैं बात करता हूँ फिर बताऊंगा आप। बेटा, आपका और रमशा का एक रिश्ता है, और इस रिश्ते की जो ऊंच नीच है ना, वो आप दोनों बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए जो भी फैसला कीजिएगा, बस अपने खानदान की इज्जत को मद्देनजर रखिएगा। फिक्र ना करें अम्मी, आप और इस घर की इज्जत मेरे लिए हर चीज से बढ़ के है। और हमें तो अपने बेटे के सर पे सीरा सजा देखना है बस।